नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह और ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को मार्गी होने वाले हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, 24 नवंबर 2022 को सुबह 4:36 पर देवगुरु अपनी स्वराशि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे और आगामी 149 दिनों की समयावधि तक यानी 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु मार्गी रहने वाले हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। गुरु के इस मार्गी काल का कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके लिए सफलता की संभावना देंगे और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो कर्क राशि वाले जातकों, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है या ग्रहों की जो चाल होती है वह व्यक्ति के जीवन में विशेष और गहरा प्रभाव डालती है। ग्रहों की चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं और परिवर्तन होता रहता है, तो ऐसे में यदि आने वाले समय की स्थितियों को आप पूर्व में जानना चाहते हैं तो ग्रहों की चाल देखना आवश्यक है और गुरु के इस मार्गी काल को आप समझकर आने वाले समय में बेहतर संभावना निर्मित कर सकते हैं। गुरु के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो हमारे नवग्रहों में देव गुरु बृहस्पति को उच्चतम स्थान प्राप्त है और इन्हें प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। देव गुरु बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना गया है, यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव रहता है। देव गुरु बृहस्पति के बारे में तो ऐसा भी कहा गया है कि यदि जन्म कुंडली पर कई ग्रह कम प्रभावी स्थितियों में मौजूद हों, केवल एक ग्रह गुरु केंद्र में मौजूद हो जाएं और पूर्णतः बली हो जाएं, यानी राशि के प्रथम भाव, राशि के चतुर्थ भाव, राशि के सप्तम भाव और राशि के दशम भाव में यदि गुरु प्रभावी हो जाएं, तो कई ग्रहों के खराब होने के बावजूद भी जीवन में हर प्रकार की सफलता जातक को मिलती है। जन्म कुंडली पर गुरु के अनुकूल होने पर जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी माना गया है। वहीं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों का स्वामी भी माना गया है। बृहस्पति का प्रभाव अगर किसी राशि के जातक के ऊपर दिखाई दे तो ऐसा जातक ज्ञान विज्ञान में काफी ज्यादा रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में शुभ प्रभावों को हर क्षेत्र में अर्जित करने में सफल होता है। गुरु बलि हो तो उच्च कुल में विवाह होता है और संतान के सौभाग्य में वृद्धि भी रहती है। वहीं गुरु के पीड़ित होने पर पेट जनित समस्याएं, पेट में बदहजमी होना, गैस की प्रॉब्लम होना, वहीं डायबिटीज की समस्या दिखाई देती है। गुरु पीड़ित हो जाए तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं धन को लेकर भी समस्या मिलने लगती है। तो पीड़ित गुरु के प्रभाव को दूर करने के लिए गुरु से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, देव गुरु बृहस्पति आपके राशि के रोग भाव
और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। 24 नवंबर 2022 को देव गुरु बृहस्पति आपके राशि के नवम भाव में मार्गी हो रहे हैं। राशि के नवम भाव से मान सम्मान, धर्म, यात्राओं के बारे में, पिता तुल्य व्यक्तियों के बारे में और हायर एजुकेशन के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। 24 नवंबर से लेकर आने वाले 149 दिनों तक गुरु आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे, जहां से गुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के पराक्रम भाव को देखेंगे, वहीं नवम दृष्टि से आपके राशि के संतान भाव को देखेंगे। तो कई प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में, चूंकि पूर्व के समय से देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के नवम भाव में वक्री थे, तो कई कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले तो यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन के मामले में बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इस गोचर से कुटुंबी जनों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा और परिवार के सदस्यों में आप प्रसन्नता देने में समर्थ रहेंगे। कर्म क्षेत्र के मामले में यदि पूर्व के समय से आपको लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, तो 24 नवंबर से लेकर आने वाले 149 दिनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। खास तौर से ऐसे जातक जो इस दौरान वकील हैं, जज हैं, अध्यापक हैं, किसी धार्मिक संस्थान के मठाधीश हैं या एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं, वाणी से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई कार्य है, इसमें आपको विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों को चूंकि लगन भाव पर देव गुरु बृहस्पति प्रभावी हो रहे हैं, तो आपके आत्मविश्वास में काफी ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप व्यावसायिक जीवन को चला रहे हैं, व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो व्यापार में पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस दौरान भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। कर्क राशि के ऐसे जातक जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए कई प्रकार के नवीन अवसर इस दौरान देखने के लिए मिलने वाला है। हायर एजुकेशन के फील्ड में जो जातक संलग्न होकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं या आने वाले समय में आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यदि 24 नवंबर 2022 के उपरांत किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में आप बैठने की योजना बनाते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी बन सकती है। देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके राशि के पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव से ही शिक्षा का विचार करते हैं, तो शिक्षा के मामले में भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक समस्याएं बनी हुई है और प्रेम संबंधी समस्याएं भी बनी हुई है। तो दर्शकों, 24 नवंबर 2022 के उपरांत यदि आप वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए हैं, तो दाम्पत्य सुख के बढ़ने की विशेष संभावना दिखाई देगी। वहीं किसी प्रेम प्रसंग को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी काफी श्रेष्ठ समय रहने वाला है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। अब यदि आपके लिए कुछ सावधानियों की जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहली सावधानी तो कर्क राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अपने आप को कमजोर ना होने दें, आत्मविश्वास के साथ टारगेट बनाकर कार्य में संलग्न रहें। किसी भी कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं तो आपको लक्ष्य बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी चाहिए, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में उस कार्य की कार्य योजना है उसको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें, यानी अपने गुप्त राज को दूसरे व्यक्तियों से ना बताएं। तीसरी सावधानी गुरु के मार्गी काल में आपको यह रखनी चाहिए कि पारिवारिक जीवन
और परिवार को काफी ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। कुटुंबी जनों के साथ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद आपको नहीं निर्मित करना है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है तो ये उपाय आपको बेहद ही लाभ देने वाले हैं। तो देखिये, गुरुवार के दिन संध्या के समय सूर्यास्त के पश्चात आपको चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले और पुस्तकों का दान जरूरतमंदों में करना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं कर्क राशि वाले जातकों को केले के वृक्ष के समीप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने के उपरांत गुरुवार के दिन यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र की 108 बार आप जप करते हैं तो संभावना आपके लिए बहुत ही शुभ बनेगी। गुरु को मजबूत करने के लिए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का किसी प्रकार से अपमान करने से बचना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।